और जैसे ही आप कोई भी वर्ड सर्च करेंगे यूट्यूब में टेस्टिंग के लिए, आपको वहाँ पे दिखाई दिया जाएगा कि सर्च टर्म कौन सा है, उस टर्म पर कौन से क्रिएटर्स ने, कौन से यूट्यूबर्स ने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए, कौन से यूट्यूब चैनल ने ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में कितने टाइम्स में लिया गया है, टाइटल्स में कितने टाइम्स लिया गया है, एवरेज एज क्या होती है एक वीडियो की, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि सर्च वॉल्यूम यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार सर्च होता है। यहाँ पे वो आइकन ग्रीन पर है यानी कि ये वर्ड बहुत बार सर्च किया गया है। कंपेटिटर्स कितने हैं, तो मतलब कि कंपेटिटर्स इसके कम है, तो इस चीज़ पर आप वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस वर्ड के रिलेटेड कौन से टॉप सर्च कीवर्ड्स है, यानी कि आप यहाँ से भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स ले सकते हैं अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो। प्लस यहाँ पे आप कुछ ट्रेडिंग्स वीडियो देख सकते हैं, उसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं पर आवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 व्यूज़ आ रहे हैं इस वीडियो पर। और एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो ये है कि आपको पर्टिकुलर वीडियो के नीचे यहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही है वो भी एक इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। आपको एंड में जो रेड कलर का आइकॉन दिख रहा है वो डिसलाइक है, और यहाँ पे है लाइक का रेशियो, यानी कि आपको वो वीडियो खोले बिना उस वीडियो के अंदर मतलब कि कितनी लाइक है कितनी डिसलाइक है वो इंफॉर्मेशन यहाँ होम पेज में से ही मिल जाएगी, यानी कि बहुत टाइम बचा सकता है ये एक्सटेंशन आपका। और आप जब भी कोई वीडियो रन करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आप पूरा VidIQ का सेक्शन देख सकते हैं। अगर आपके अंदर VidIQ नहीं है या फिर आपने सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया है तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। और VidIQ का यहाँ पे पूरा सेक्शन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि VidIQ स्कोर, तो हर एक वीडियो को VidIQ अपनी तरफ से स्कोर देता है, जो इस वीडियो का है 100 out of 100, क्योंकि ऑफकोर्स ये पॉकीमॉन गो का एक वायरल वीडियो है। प्लस जो नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिल सकती वो भी आपको यहाँ से मिल जाती है कि व्यूज़ पर आवर, यानी कि इस वीडियो पर आवर व्यूज़ कितने आते हैं वो शायद एक खुद यूट्यूबर को ही पता होता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। टोटल व्यूज़, उसका एंगेजमेंट, सब्सक्राइबर्स इस वीडियो से उसको कितने मिले, यहाँ है एवरेज टाइम उस वीडियो का, यानी कि 35% इस वीडियो को व्यू किया गया है, यानी कि 10 मिनट का वीडियो होगा तो 3.5 मिनट इसको व्यू किया गया है। प्लस यहाँ पे है ड्यूरेशन, यानी कि इस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है, प्लस उसने कितने पैसे बनाए वो अंदाजित होते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे लाइक डिसलाइक, यहाँ पे सोशल पूरी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे वीडियो शेयर किया गया है, उसे लाइक्स कितने मिले, कमेंट्स कितने मिले, प्लस SEO में ये वीडियो कितना स्कोर करता है, और उसके टैग्स, ये सबसे इंफॉर्मेशन वाली है चीज़ कि उस वीडियो में कौन से टैग्स लगाए हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पोकेमॉन गो पर वीडियो बनाना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि एक वायरल वीडियो के टैग्स आप में भी हो, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ से मिल रही है। प्लस यहाँ पे आपको कुछ हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस वीडियो ने कितना ग्राफ तय किया, एंगेजमेंट रेट, कहाँ से उसका ट्रैफिक आया, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल में। प्लस उस वीडियो के ट्वीट्स कितने हैं या फिर उस टॉपिक पर कितने वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, फिर उसके टैग्स, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन इस सेक्शन से मिल सकती है। प्लस आप कोई यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उस चैनल ने कौन से टैग यूज़ किए हैं, अगर आपको पता होगा तो एडवांस सेक्शन में आप चैनल के टैग डाल सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके वीडियो सेक्शन में माई क्रिएटर स्टूडियो में जाके आपको क्या क्या चेंजेस इस एक्सटेंशन से मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको VidIQ का ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ से आपको मास एडिट का ऑप्शन मिलता है, मास एडिट कार्ड्स एंड एनोटेशन। कार्ड्स और एनोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अगर आप यूट्यूबर है तो, कि इंटरलिंकिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें इससे आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी वीडियो को फीचर कर सकते हैं, उसका एनोटेशन कॉपी कर सकते हैं, कार्ड कॉपी कर सकते हैं, उसे एडवांस एम्बल कर सकते हैं और थंबनेल भी बना सकते हैं। वाह, तो चलिए एक वीडियो का हम थंबनेल डिज़ाइन करते हैं कि कैसा है ये सॉफ्टवेयर थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी आप फ्रेम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने थंबनेल के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ये फ्रेम चूज़ कर रहा हूँ थंबनेल बनाने के लिए, और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं कि जैसे कि लाइव सेशन, और इसका कलर है वाइट,
और ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसे आप बड़ा कर सकते हैं, उसकी ओपासिटी कम कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इमेज टेम्पलेट से या फिर टेक्स्ट के। तो उससे आप बहुत ही अच्छा थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एडवांस ऑप्शंस की। आप इसी चीज़ से अपना थंबनेल भी बना सकते हैं, यानी कि ऑल इन वन आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहा है। अगर आप यूट्यूबर है तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, बिलीव मी। फिर बात करते हैं कि कम्युनिटी सेक्शन यानी कि कमेंट्स। अगर आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स कमेंट्स करते होंगे वीडियोस पर, तो आपको एडवांस कमेंट सेक्शन कहाँ से मिलेगा? अगर आप फ्री रहे और काफ़ी सारे यूजर्स को आपने रिप्लाई दिया वो जो जानना चाहते हैं, फिर आपने क्विट कर दिया, फिर आप सोचेंगे कि और अब मैं कहाँ से शुरू करूँ कमेंट्स करना, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि कौन सी कमेंट आपको फैच करनी है, कि मैंने रिप्लाई किया वो, या फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, या फिर उसके अंदर कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया गया, या फिर कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर भी आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। और ये चीज़ किसी के भी वीडियो पर काम करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी यहाँ पे कमेंट्स आई है मेरे वीडियो के नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यूज़र, और यहाँ पे vidIQ उस पर्टिकुलर यूज़र के सब्सक्राइबर्स भी फैच करके आपको दिखा देता है, यानी कि आप वो भी देख सकते हैं कि कौन से बड़े यूट्यूबर्स ने या फिर कौन से क्रिएटर ने आप पर कमेंट की है, और मतलब कि वो यूट्यूबर है उनके कितने सब्सक्राइबर्स है, वो आपको विदाउट उनकी चैनल खोले या फिर यूज़र पर क्लिक किए पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नोटेशन टेम्पलेट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ से ऑलरेडी एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर देना है, जैसे कि सब्सक्राइबर का टेम्पलेट हो, या फिर क्लिक हियर का टेम्पलेट हो, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, इंटरलिंकिंग वीडियो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ ऑलरेडी डिज़ाइन करके डाल सकते हो, और फिर आपको वो एनोटेशन फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से डायरेक्ट एक वन क्लिक में, या फिर बाहर से जैसे मैंने दिखाया है वहाँ से भी आपको डायरेक्टली वो एनोटेशन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ऐसा सेम आप कार्ड के सेक्शन में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्ड का भी यहाँ पे एक टेम्पलेट अवेलेबल है, जिससे आप कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि उसका सब्सक्रिप्शन रेट या फिर प्राइसिंग क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जो पैक बाय किया है वो 3 चैनल बूस्ट करने के लिए है, और मैंने पे किए हैं $700 पर ईयर के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अकाउंट उस बेसिस पर चल रहा है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर उतने पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आप प्रो वर्जन बाय कर सकते हैं सिंपली, जिसमें आपको $10 पे करने पड़ेंगे, यानी कि आप एक ईयर का फुली लेंगे तो आपको $100 पे करने पड़ेंगे, और बहुत ही कम प्राइसिंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी चैनल जब ग्रो करेगी तो ये प्राइसिंग आपको सच में कुछ भी नहीं लगेगी। $100 पर ईयर यानी कि आपकी इनकम ही शायद एक दो महीने के बाद इतनी हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि vidIQ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टूल है, और बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं आपकी YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज़ करने, आपके वीडियो के SEO को संभालने में, टैग्स डिस्क्रिप्शन टाइटल्स डालने में। ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मतलब कि आप में से कई लोग मुझे पूछते थे कि आप खुद टाइटल्स डिस्क्रिप्शन टैग्स कैसे डालते हो और कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो, कैसे सर्च रैंकिंग में इतने आगे आते हो। तो ये एक ट्रिक थी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसे यूज़ कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए और इस चीज़ को यूज़ कीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं अंकुर सत्वर आपको मिलता हूँ नई और एक्साइटिंग और भी टिप्स के साथ। आपका दिन शुभ रहे।